कछुआ और अभिमन्यु की निगाहें युग पर टिकी हुई थी, यहाँ तक कि बॉटल के अंदर कैद यामिनी की भी। वो देखना चाहती थी कि युग क्या फैसला लेता है, अपने प्यार के लिए अभिमन्यु का सौदा काले साये के साथ करता है या नहीं। काला साया फिर युग पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, बोल युग, तुझे सौदा मंजूर है या नहीं। युग फिर खामोश रहता है। वो एक नजर से अभिमन्यु की तरफ देख रहा था तो दूसरी नजर से उन बॉटलों की तरफ देख रहा था जिसमें यामिनी और अनुराग कैद थे। बॉटल के अंदर तड़पती हुई यामिनी के आंसू भी उसे साफ दिखाई दे रहे थे। उससे यामिनी की तड़प भी नहीं देखी जा रही थी। उसके कानों में अनुराग के पुकारने की आवाज गूंजने लग गई थी, जो उससे मुक्ति की गुहार लगाया जा रहा था। एक पल के लिए युग खो सा गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उस अंधेरे में उसे सिर्फ तीन चेहरे दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक यामिनी का था, दूसरा अनुराग का, तो तीसरा अभिमन्यु का, जिसमें से उसे सिर्फ कोई दो को चुनना था। और वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि जो छूटेगा उसका साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा, वो काले साये का हो जाएगा। युग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता और यामिनी को चुने या फिर अपने दोस्त और अपने पिता को या फिर यामिनी और अभिमन्यु को। युग के सामने फिर एक बड़ी मुसीबत आ गई थी, जैसे सारी मुसीबतें उसी के लिए बनी हो। युग गहरी सोच में खोया ही हुआ था कि तभी वो काला साया युग की सोच को तोड़ते हुए डरावनी आवाज में गुस्से के साथ कहता है, बोल युग, सौदा मंजूर है या नहीं। युग दोनों बॉटल्स और अभिमन्यु की तरफ एक और बार गौर से देखता है और फिर लंबी आहें भरने लग जाता है। इस बार युग की आंखों में एक चमक थी। उसकी आंखों की चमक को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसने फैसला ले लिया था कि उसे क्या करना है। वो काला साया आखिरी बार युग पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, बोल युग, तुझे सौदा मंजूर है या नहीं। युग उस काले साये की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहता है, मुझे सौदा मंजूर है। जैसे ही युग ये बात बोलता है वो काला साया कस कस कर हंसने लग जाता है। उसकी खौफनाक हंसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग जाती है। कछुआ और यामिनी भी युग का फैसला सुनकर दंग रह गए थे। उन दोनों ने भी कभी नहीं सोचा था कि युग अपने दिल के सबसे करीबी दोस्त का सौदा कर देगा, वो भी काले साये के साथ। अभिमन्यु खामोश था, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। वो युग के साथ उसके हर फैसले में कदम कदम पर साथ था। वो काला साया डरावनी हंसी के साथ हंसी रहा था कि तभी युग उस काले साये को टोकते हुए कहता है, मेरी बात पूरी तो सुन ले, बात पूरी नहीं हुई कि तू चला जश्न मनाने। जैसे ही युग ये बात बोलता है उस काले साये की हंसी कम होने लग जाती है, वो खामोश हो जाता है। युग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मुझे सौदा मंजूर है और सौदा वही होगा जो पहले तय हुआ था, पुराना वाला सौदा। जैसे ही युग ये बात बोलता है वो काला साया गुस्से में आ जाता है और वो गुस्सा उसकी पीली डरावनी आंखों के तेज को देखकर साफ समझा जा सकता था। काला साया चिढ़ते हुए कहता है, पुराना वाला सौदा, मतलब तू अभिमन्यु का सौदा नहीं करेगा। युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ नहीं करूंगा मैं अभिमन्यु का सौदा, क्योंकि अभिमन्यु कोई चीज नहीं जिसका सौदा तेरे साथ करूं। वो दोस्त है मेरा और दोस्तों के सौदे नहीं करते, बल्कि उनके लिए सौदे तोड़े जाते हैं। जब कछुआ युग के मुंह से ये बात सुनता है तो उसके मन में भी युग के लिए इज्जत बढ़ जाती है। उसे इस युग में वही पुराना वाला युग नजर आने लग जाता है जिसका दिल पानी की तरह साफ था। युग की बात सुनकर उस काले साये को गुस्सा तो आया था, पर वो जानता था इस वक्त उसके लिए अभिमन्यु से भी ज्यादा कोई जरूरी चीज थी, तो वो ताबूत था जिसके अंदर अनुराग का शरीर रखा हुआ था। उसे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द अनुराग का शरीर चाहिए था। उसे इस चीज का एहसास था कि कल ब्लड मून की रात है और अभी काफी काम है जो करने बचे हैं। उसे युग और उसके दोस्तों को ग्रेवयार्ड कोठी से जल्द दफा करना है। वो काला साया अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए कहता है, ठीक है युग, जैसी तेरी इच्छा, तुझे पुराना सौदा करना है तो फिर वही सही। काला साया भारी लहजे में कहता है, फिर तुझे तो पता ही है सौदे में एक चीज के बदले एक चीज ही दी जाती है। तू मुझे ताबूत दे रहा है तो मैं भी इन बॉटलों में से तुझे एक ही बॉटल दूंगा। काला साया हंसते हुए कहता है, बता कौन सी बॉटल चाहिए, तेरे बाप वाली या फिर यामिनी वाली। युग फिर दुविधा में फंस जाता है। उसकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसे या तो यामिनी को चुनना था या फिर अपने पिता को, उस पिता को जो पिछले 14 सालों से मुक्ति के लिए तड़पे जा रहा था। युग की आंखें फिर से नम हो गई थी। उसके लिए अपने पिता और यामिनी में से किसी एक को चुनना मुश्किल था। वो काला साया युग की भावनाओं जज्बातों के साथ खेल रहा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये सब करने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। यामिनी खामोशी के साथ युग को देखे जा रही थी। उसे भी नहीं पता था कि युग किसे चुनेगा, पर वो उसके हर फैसले के लिए तैयार थी। युग ने अपनी निगाहें दोनों बॉटलों पर टिका दी थी, जिसमें उसे एक बॉटल में यामिनी नजर आ रही थी तो दूसरी बॉटल में धुआं नजर आ रहा था। पर अनुराग के पुकारने की आवाज कहीं न कहीं अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, जो उससे मुक्ति की गुहार लगाया जा रहा था।
अगर युग सोचता कि वो अनुराग को मुक्ति दिलाएगा तो उसके हाथ से हमेशा के लिए यामिनी का साथ छूट जाता। वो यामिनी जिसने उसकी जान बचाई थी, अपने लबों से उसके अंदर सांसें भरी थी, वरना उसकी सांसें तो उसी दिन थम गई थी जब वो तालाब के पानी में कूदा था। पर अगर यदि वो यामिनी को चुनता तो कभी अपने पिता को मुक्ति नहीं दिला पाता, जिसके लिए वो महाडायन से लड़कर आया था। अपने दोस्त अभिमन्यु को मरने की हालत में छोड़ दिया था सिर्फ अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए। वो अपने बेटे होने का फर्ज उतारना चाहता था उन्हें मुक्ति दिलाकर। जैसे जैसे युग अपने पिता और यामिनी के बारे में सोचते जा रहा था, वो गहराई में डूबते जा रहा था। उसकी परेशानियां कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। काला साया फिर युग पर दबाव बनाते हुए डरावनी आवाज में कहता है, बोल युग, कौन सी बॉटल दूं, यामिनी की या तेरे बाप की? जल्दी बोल वरना मेरा मन बदला तो दोनों ही नहीं दूंगा। युग हड़बड़ाहट के साथ बोलता है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं बताता हूँ। काला साया गुस्से के साथ कहता है, तो फिर बता जल्दी। युग एक लंबी आह भरते हुए अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, मुझे मेरी यामिनी चाहिए, यामिनी वाली बॉटल। जैसे ही युग ये बोलता है सबके होश उड़ जाते हैं। अभिमन्यु और कछुए को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि युग ने यामिनी को चुना है, अपने पिता को छोड़ दिया, उस पिता को जिसे मुक्ति दिलाने के लिए युग अभिमन्यु से लड़ पड़ा था, अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया था। आज उसी पिता को छोड़कर युग ने यामिनी को चुना था, अपने प्यार को चुना था। युग का फैसला सुनकर यामिनी की आंखें भर आई थी। आज उसे पता चल गया था कि युग उससे कितना प्यार करता था, कि उसने उसके लिए अपने पिता को भी मुक्ति दिलाने से पीछे हट गया। आज यामिनी के सामने वो सारी बातें झूठी पड़ गई थी जो उसके बाबा ने उससे युग के बारे में कही थी। उन्होंने कहा था कि युग कभी उससे सच्चा प्यार नहीं करेगा, पर आज उसी सच्चे प्यार ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। अपने पिता को छोड़कर यामिनी को चुनकर युग ने ये बात साबित कर दी थी कि वो यामिनी के लिए कुछ भी कर सकता है, दुनिया की बनाई सारी बंदिशों हदों को तोड़ सकता है। वो काला साया युग का फैसला सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी हंसी में एक चालाकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही इस बात की भनक थी कि युग किसे चुनेगा। वो काला साया हंसते हुए ही कहता है, बिल्कुल सही फैसला लिया युग, तूने प्यार ही सब कुछ है। तेरा बाप तो पहले ही मर चुका है, उसे मुक्ति दिलाकर तू क्या करेगा? वैसे भी इंसानों को जिंदा चीजों से लगाव होता है, मरी हुई चीजों से नहीं। और फिर ये तो वैसे ही यक्षिणी है, इसकी तो बात ही अलग है। अगले ही पल वो काला साया जिस बॉटल में यामिनी कैद थी उस बॉटल को आगे करते हुए कहता है, ये ले युग और ताबूत मेरी तरफ करके सौदा पूरा कर। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, पहले तू यामिनी को बॉटल में से बाहर निकाल, मैं नहीं चाहता कि तू कोई भी मेरे साथ चालाकी करे जैसे तूने सौदा बदल कर करी है। वो काला साया हंसते हुए कहता है, युग तुझे अभी भी लगता है कि मैं तेरे साथ कोई चालाकी करूंगा? अगर चालाकी करनी होती तो तुम लोगों के साथ इतनी बहस करके अपना वक्त जाया नहीं करता, यहीं पर मार देता एक बार में। पर कहा ना, हमारी दुनिया के कुछ नियम है इसलिए छोड़ रहा हूँ। खून की रात तो ब्लड मून की रात है। अभिमन्यु काले साये की बातों को गौर से सुनते हुए मन में सोचने लग जाता है, ये काला साया बार बार ब्लड मून की रात को खून की रात क्यों कह रहा है? आखिर ये ब्लड मून की रात क्या करने वाला है? युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैंने कहा यामिनी को बॉटल में से बाहर निकाल, तभी मैं ये ताबूत तेरी तरफ करूंगा। काला साया गुस्से के साथ कहता है, जब तू इस बॉटल को ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर ले जाएगा तब ये यामिनी खुद इस बॉटल से आजाद हो जाएगी। युग कहता है, मैं कैसे तेरी बातों पर यकीन कर लूं? अब मुझे तेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। काला साया हंसते हुए कहता है, तेरे पास मेरी बातों पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? युग खामोशी रहता है, कुछ नहीं कहता है, अपनी शक्तियों का यूज करने का सोचता तक नहीं है, क्योंकि वो काले साये से लड़कर फिर से अभिमन्यु और कछुए की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो चुप खड़ा रहता है। वो काला साया युग की आंखों में देखते हुए उस पर दबाव बनाते हुए कहता है, मैंने कहा ताबूत मेरी तरफ कर। उस काले साये के इतना कहते ही युग उस ताबूत को छूने लग जाता है। वो देखता है कि ताबूत के आसपास हल्का हल्का धुआं जमा होने लग गया था। युग जैसे ही अपने राइट हैंड से ताबूत को छूता है उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसकी उंगली पर सुई चुभी हो। युग झट से अपने हाथ उस ताबूत से दूर कर लेता है। जब वो अपना हाथ देखता है तो उसके हाथ के बीच के अंगूठे की बगल वाली उंगली से खून निकल रहा था। वो खून की बूंद झट से ताबूत के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही वो खून की बूंद ताबूत पर गिरती है काला साया हंसने लग जाता है। काला साया हंसते हुए ही डरावनी आवाज में कहता है, ब्लड मून होगा खूना खून, ब्लड मून होगा खूना खून। अगले ही पल काला साया अपनी निगाहें ताबूत की तरफ करता है और वो ताबूत अपने आप उसकी तरफ खींचा चला आता है।
जैसे जैसे वो ताबूत उस काले साए के पास आ रहा था, उस ताबूत के चार निशानों की पीली चमक बढ़ने लग गई थी। जब ताबूत काले साए के पास पहुंच जाता है तो काला साया वो बॉटल जिसमें यामिनी कैद थी उसे युग की तरफ फेंक देता है। कहीं वो बॉटल नीचे ना गिर जाए इसलिए युग हड़बड़ाहट के साथ उस बॉटल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जिस कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और धड़ाम से नीचे गिर गया था। बॉटल के अंदर कैद यामिनी भी यहाँ वहाँ डूल गई थी। वो काला साया फिर हंसने लग जाता है। उसके हाथ में अभी भी एक बॉटल थी जिसके अंदर धुआं भरा हुआ था। उस धुएं के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युग अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरी ये बात याद रखना, मैं वापस आऊंगा यहाँ पर। वो काला साया हंसते हुए कहता है, हाँ युग, तुझे तो वापस आना ही होगा। तेरे बिना ये ग्रेवयार्ड कोठी सुनी जो है, हम सब का अंश एक दूसरे से जुड़ा है। तेरे बिना काम कैसे होगा, तुझे तो आना ही होगा वापस। मुझे इंतजार रहेगा तेरा युग, इंतजार रहेगा। युग पलट कर कुछ नहीं कहता है, बस गुस्से के साथ उस काले साए को घूरते रहता है। वो काला साया हंसी रहा था कि उसकी हंसी के साथ ताबूत के आसपास धुआं बढ़ने लग जाता है। ताबूत के पास देखते ही देखते इतना धुआं बढ़ जाता है कि वो ताबूत दिखाई देना बंद हो जाता है, धुएं में ही लुप्त हो जाता है। और अगले ही पल जब धुआं गायब होता है तो उसके साथ ताबूत तो उस जगह से गायब होता ही है, साथ में वो काला साया भी वहां से गायब हो जाता है। वो काला साया ताबूत लेकर वहां से चले गया था। युग ने अपने हाथ में जो बॉटल पकड़ी हुई थी वो हिलने लग जाती है, और वो बॉटल कोई और नहीं बल्कि बॉटल के अंदर कैद यामिनी हिला रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस काले साए के वहां से जाते ही उसका दम घुटने लगा हो, जिस कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। युग तुरंत उस बॉटल को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर जाने लग जाता है। उसके पीछे पीछे ही अभिमन्यु और कछुआ भी जाने लग जाते हैं। युग जैसे ही ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलता है तो जैसा कि काले साए ने कहा था वैसा ही होता है, वो बॉटल कच से टूट जाती है। उसके कांच चारों तरफ बिखरने लग जाते हैं और उसी के साथ उस बॉटल के अंदर से तेज सफेद रोशनी निकलती है। वो रोशनी इतनी तेज थी कि युग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि अभिमन्यु और कछुए को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युग अपने हाथ यहाँ वहां करते हुए यामिनी को ढूंढते हुए कहता है, यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।